हरियाणा में 2019 के चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर जगाधरी में रोड शो करेंगे। ये रोड शो टाउन से शुरू होकर बस स्टैंड से गुजरता हुआ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पर समाप्त होगा और वहीं इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। रोड शो के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर वहां लोगों को संबोधित भी करेंगे। एचएसएससी मामले में कांग्रेस ने सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। एचएसएससी भर्ती घोटाले मामले में विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का ये मौका मिला, जिस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने तो इसे अब तक की राजनीति का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए मामले की सिटिंग जज से जांच की मांग की है और वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए सीएम मीडिया सलाहकार ने कहा कि पिछली सरकार ऐसे मामलों को दबाती थी, उनके समय में नौकरी बेची जाती रही है, जबकि हम जांच करवा रहे हैं। प्रदेश में किसी युवा के साथ धोखा नहीं होगा। सरकार दोषियों को कतई बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपियों से रिश्वत के पैसों की रिकवरी भी करवाई जाएगी। करनाल पहुंचे सीएम खट्टर के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने पत्रकारों से प्रेस बातचीत की है और वहीं प्रेसवार्ता के दौरान सरकार के कार्यों की उपलब्धियों को बताया भी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पत्रकारों के हित में काफी काम किए हैं और ये भी कहा कि मैं खुद भी एक पत्रकार हूं। पत्रकारों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही करनाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के द्वारा सचिवालय के सामने देश में फैली अशांति, वर्ग संघर्ष और सांप्रदायिक टकराव को देखते हुए उपवास करने पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि अशोक तंवर को पहले भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ अनशन करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए इनके साथ भूपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थकों ने गलत व्यवहार किया। वहीं राजीव जैन ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं हरिजन वर्ग के लिए और दूसरे लोगों के लिए। पिछली सरकार में जो धांधलियां चल रही थी उसे हमारी सरकार ने बंद किया है और यह भी कहा कि उन्होंने कि कांग्रेस सिर्फ नाटकबाजी कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही। आखिरकार अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और किसान अपनी फसलें मंडी में लेकर आ भी रहे हैं। हरियाणा की मंडियों में 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी थी, लेकिन करनाल की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू ना होने से किसान परेशान थे, लेकिन अब किसानों के चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि उनकी फसल को सरकारी खरीद के माध्यम से अब खरीदा जा रहा है। वहीं फसलों की खरीद को लेकर पूर्व सीपीएस और विधायक बख्शी सिंह विर्क ने करनाल की जुंडला मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विधायक और मंत्रियों को आदेश दिए हैं कि अपने अपने हल्के की मंडियों में जाकर गेहूं की खरीद का जायजा जरूर लें और अधिकारियों को आदेश भी दें कि किसानों को मंडियों में किसी तरह की कोई भी समस्या न आए। और इसी कड़ी में उन्होंने असंध और जुंडला मंडी का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि किसानों को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनकी सारी फसल खरीदी जानी चाहिए। बल्लभगढ़ में किसानों के गेहूं के लिए पुख्ता प्रबंध होने के आढ़तियों और मंडी प्रशासन के दावे फेल साबित हो रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बारिश से मंडियों में किसानों की फसल भीग चुकी है। किसानों का कहना है कि उनका गेहूं बारिश में ही पड़ा है, 3 शेडों में कट्टों के ढेर हैं और इसकी वजह से गेहूं को 3 शेड में नहीं रखा जा रहा। किसानों का कहना यह भी है कि उनका गेहूं अगर ऐसे ही खुले में बिना तुलाई के पड़ा रहा तो उन्हें बहुत भारी नुकसान होगा। अखिल भारतीय पाल गडरिया महासभा के बैनर तले गडरिया समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की। मुलाकात कर गडरिया समाज के लोगों ने उपायुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। गडरिया समाज के लोगों की मांग यह है कि पाल गडरिया जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और इन्हें बीसी श्रेणी में रखा जाए। हरियाणा में सुबह बरसात ने दस्तक देकर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां बारिश किसानों के लिए मुश्किल बनी हुई है तो वहीं आढ़तियों के लिए भी मुसीबत बढ़ चुकी है। अनाज मंडियों में गेहूं की ढेरियां लगी हुई हैं, जिन्हें बचाने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन ऊपर से
ढककर जो है उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन जो बारिश का पानी सड़क पर गिरकर ढेरियों के नीचे जाएगा उससे कैसे निपटा जाएगा। पहले ही गेहूं में नमी होने के कारण गेहूं की खरीद जो है 5 दिन देरी से शुरू हुई है और अब बारिश में जो गीला हुआ है गेहूं और इससे काफी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जिससे किसानों के चेहरे मुरझा चुके हैं। उत्तर भारत में अचानक मौसम के मिजाज बदलने से हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बारिश देखने को मिली। बारिश के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया तो वहीं किसानों को भी चिंता सताने लगी है, क्योंकि इन दिनों फसलें पक चुकी हैं और फसलों पर पानी गिरने से ये फसलें खराब हो रही हैं। दूसरी ओर इस बारिश से आम लोगों को राहत जरूर मिली है। अप्रैल महीने से ही पारा 37 डिग्री के पार हो चुका था, लेकिन बारिश से एक बार फिर से पारे में गिरावट देखने को मिली है, जिससे कि आम लोगों ने राहत की सांस ली। हरियाणा के जुलाना के बाजार में लगे बिजली के खंभों में करंट आने से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ती जा रही हैं। ग्राहकों और दुकानदारों में पूरे दिन डर बना रहता है कि कहीं खंभों में करंट आने से कोई अनहोनी ना हो जाए। गौरतलब है कि बाजार में और अन्य स्थानों पर लगे खंभों को बदलने का जो बजट है वो आया था, लेकिन आज तक इन पुराने लोहे के खंभों को नहीं बदला गया है। दुकानदारों का कहना यह भी है कि कुछ स्थानों पर नए खंभे और लाइन बदलने का काम तो किया गया है, लेकिन वो भी अधूरा पड़ा है। हादसों को न्योता दे रहे खंभों और प्रशासन के प्रति दुकानदारों में रोष बना हुआ है। लाइन को ठीक करने आए लाइनमैन से जब बात की गई तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आया। हरियाणा के यमुनानगर स्थित गांव छोटा बास में सुबह सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे पर 4 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और मरने वाले करनाल के रहने वाले बताए गए। हादसा इतना भयानक था कि कार और ट्रैक्टर के परखच्चे तक उड़ गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के बारे में जांच अधिकारी मोहकम सिंह ने जानकारी दी कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह भिजवा दिया गया है और मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चरखी दादरी में हैकर्स के द्वारा फेसबुक आईडी हैक कर दोस्तों को लूटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हैकर फेसबुक के जरिए दोस्तों को पेटीएम पर रुपए भेजने के लिए रिक्वेस्ट करते थे और रुपए मिलने पर दूसरों की जो आईडी है वो हैक करने में लग जाते थे। वहीं हैकर्स ने दादरी के एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार सहित कई अन्य लोगों को अपना शिकार बनाया है। पीड़ितों के द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। अहमदाबाद NIT नेहरू ग्राउंड स्थित डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने का कारण शोर शक्के बताया गया है। आग लगने से फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही थी। आग बुझाने के लिए करीबन 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। फरीदाबाद के भट्टू रोड पर पशु खल आहार की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया और 16,500 की नकदी ले उड़े। बताया जा रहा है कि चोर दुकान में रखे गल्ले को पास के खेतों में ले गए थे। खेतों में ले जाकर गल्ले को तोड़ा गया, जिससे कि 16,500 की नकदी चोरों ने चुराई है और चोर सारी नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन फिलहाल कर रही है। नूह मेवात में ससुराल पक्ष पर एक महिला को मारने का आरोप लगा है। महिला की शादी करीबन 25 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार नूह में हुई थी। बताया यह भी जा रहा है कि ससुराल पक्ष शादी के बाद से ही महिला से मारपीट करता था, जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थी, जिसके चलते ससुराल पक्ष ने महिला को मौत के घाट उतारने का काम किया, ये भी आरोप लगे।
वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है। और वहीं पुलिस ने मृतक महिला के पति जान मोहम्मद और उसके दो सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट पर ही आगामी कार्रवाई करने की बातें कह रही है। फिलहाल आरोपी भी फरार बताए गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इंदौर के मढ़ावाला क्षेत्र स्थित प्रीतम कॉलोनी में सुबह अचानक हुए हादसे में गाड़ी की चपेट में आकर घायल हुए 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की शिनाख्त अभिषेक के रूप में हुई है, जिसके माता पिता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए गए। जानकारी मिलने पर कालका अस्पताल पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चे के परिजनों के बयान पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। हरियाणा के चरखी दादरी में बदमाशों का कहर देखने को मिला है। पूरा मामला गांव मोरवाला का है, जहां बीती देर रात को पहले तो ठेके के कारिंदे से मारपीट की गई और पैसे भी छीने गए और फिर शराब के ठेके को आग लगा दी गई। आग के कारण से अंग्रेजी और देशी शराब सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का मुआयना किया गया और जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में देर रात एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने 2 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मरने वाले युवक की शिनाख्त सोनीपत के गांव पहुंची जटान के रहने वाले नरेश और बांदरी के रूप में हुई है, जो पिछले कुछ महीनों से फरीदाबाद में अपनी पहचान छुपाकर अपने कुछ साथियों के साथ रहता था। जानकारी के मुताबिक मृतक पर बीते सरपंची के चुनाव में गांव के ही एक युवक को मौत के घाट उतारने का आरोप था। घटना के बाद मृतक के शव को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर उसके परिजनों को सूचना दे दी गई थी। उन्हाना के गांव गोधरा के रहने वाले 20 वर्षीय इरफान ने ससुराल पक्ष के लोगों की धमकी से तंग आकर भोंसी जेल में आत्महत्या कर ली। मृतक अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में भोंसी जेल में सजा काट रहा था। शुक्रवार की रात करीबन 3 बजे इरफान ने जेल में ही सुसाइड किया। मामले की सूचना पाकर मृतक के परिजनों के घर लोगों का जमावड़ा लग गया और वहीं घटना को लेकर पूरे गांव में मातम का माहौल था। पीड़ित परिवार सहित गांव के लोगों का ये आरोप है कि इरफान के ससुराल पक्ष के लोग उसकी पत्नी की मौत के बाद से ही उसकी हत्या करने के प्रयास में जुटे थे। उसको कई बार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इरफान ने इसी दबाव में जेल में आत्महत्या कर ली।